विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 10 फरवरी को प्रथम चरण के नामांकन पत्र आपको बता दें कि भरने के बाद मतदान 10 फरवरी को होने हैं और 21 तारीख को नामांकन पत्र अंतिम में भरे जाने हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही के अंदर 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर एक प्रत्याशी सूची जारी की गई थी। इस प्रत्याशी सूची में गाजियाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक सुरेश बंसल को टिकट देकर मैदान में उतारा था। लेकिन आपको बता दें कि टिकट दी थी उसके दो दिन पहले से ही सुरेश बंसल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया रखा था। लेकिन पार्टी की तरफ से सोचा गया था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मिल रही है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और आपको बता दें कि असमर्थता एक तरीके से नजर आ रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अब सुरेश बंसल की जगह पर के शुक्ला जो कि यहाँ के लोकल नेता है और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं उनको आपको बता दें कि टिकट देकर मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। बहुजन समाज पार्टी ने गाजियाबाद से बंसल का टिकट काटकर अब के शुक्ला को यहाँ से प्रत्याशी बनाने का फैसला ले